पास में ज्योतिर्मयी उतरो। श्यामा जी, ये ग्रोसरी का सामान है, घर की जरूरत का सामान, अच्छा इनको ना इनकी सही जगह पे लगा देना, और दूसरा ना इसमें चीज है उसको फ्रीजर में डाल देना। ठीक है, ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ, कोई काम हो तो बुला। नमस्कार, एबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। बढ़ेंगे खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। करंट की चपेट में आने से परचून दुकानदार की मौत, जमकर हुआ बवाल, परिजनों ने सड़क। I've been looking for you for a long time, like they do in Tibet for the Dalai Lama. I'm the old guy all of a sudden just because this kid is 12? You're not old, you're just older. पर लोगों का गुस्सा फूटा, उसके बाद क्या की लापरवाही को सजा समय स्कूल जाने ना, बड़े हादसे के इंतजार। Stay away from my clients. I don't think she missed you that much. I want my clients, 50% of your profits, and an apology. Or what? Or I take it all. Don't trust her. How can I make it up to you? अखबार वाली बोरी में डालना है। हाँ, जाना था, जाना था। डर तो दिए है उधर पानी तो दिख रहा है। तुम सो गए का? का हरदम सोती रहती है? अभी तो 10:30 हुआ बस। तुम्हें का? हमें तो 5 बजे उठना पड़ा था। खाना बनाओ, कपड़े धो, इन चिल्लरों को तैयार करो, ओके बाद तुम्हारा टिफिन, और फिर भागो 7 बजे काम पे। तो तेरी आदत बन चुका है, तू तो यही हालत देख मस्त पा रहा है एकदम बना सामा। अरे तू उहे को निहारिए ना, हमको काहे हलाकान कर रहे हैं। निहार तो लेंगे, मगर निकालेंगे कहाँ? अरे तुम ही तो हो मेरी मेरी जिंदगी, मेरी मुमताज, मेरी सतार। कहाँ से लाई? सवाल ये नहीं है कि हम कहाँ से लाए, सवाल ये है कि तुम अभी तक जे काहे नहीं लाए। अगर जे लाए होते तो हमारे सफीर का जे हाल नहीं होता। 7 साल का दिया, 3 ठौजे, और 4 बार सफाई कराई, सो अलग।
अब अगर कछु होगा तो जिद लगा के ही होगा, इतना जान लो बस। अपनी जिन मर्दानगी का कुछ हिस्सा अगर जिद थैली में डाल दिए होते ना, तो आज आज ना हमारी छाती सूखी हुई होती, ना हमारा शरीर, ना जी आंख के आंसू। हफ्ता भर ना ही हुआ अभी सफाई कराए और तो रही है आप। सो जा सो जा, तेरे बाप को फिर से ठगा चढ़ी है। फिर से कोई तेरा भाई बहन आएगा या खून बहेगा एक बार फिर से। चुप कर, कहां से सीख पड़ गया ये सब? काय उस दिन वो कौन सी फिल्म चला रहे थे अंग्रेजी में नाम था जिसका, उसमें वो लौंडिया बोल ही रहे ना, औरत की ना का मतलब ना, बस उही टाइम माथा घूम गया रहे हमरा। नहीं आता मजा उसके साथ। मजा मजा खातिर लाए रहे हमका, तो फिर 3 मिनट के मजे के लिए बर्बाद हो गए हम। एक बार फिर से चढ़ जाओ, रौन दो हमको। आओ 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 ना, आओ आओ। क्या बात है श्यामा जी, आज आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं। कुछ नहीं मैडम जी, बस ऐसे ही। इंडिया टुडे के एक सर्वे के अनुसार अनप्रोटेक्टेड सेक्स में भारतीयों की रैंकिंग पहले पायदान पर है। पूरे विश्व में 41% प्रेगनेंसीज हर वर्ष इच्छा के विरुद्ध होती है। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार अभी भी गर्भ निरोधक की पूर्ण जानकारी न होना देश की एक बड़ी समस्या है। दोस्तों, हो सकता है हमारी ये शॉर्ट फिल्म और इसमें दिया गया मैसेज डायरेक्ट उन लोगों तक ना पहुंचे जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर हम आसपास भी इस चीज़ को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जागरूकता लोगों में ज़रूर आएगी और ऐसी बहुत सारी औरतें जो इसका शिकार होती हैं वो इससे बच जाएंगी। सो फ्रेंड्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स और सोशल अवेयरनेस पर बनी इस शॉर्ट फिल्म को लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म नहीं है, एक मुहिम है, एक जानकारी है और आज के टाइम की हकीकत भी है और ज़रूरत भी।